say the next topic, projectile motion. So what is projectile motion? If a body is thrown in air in any direction and allowed to fall under gravity, jaise ye pen ko upar fekenge to downward girega due to gravity, then such a motion is called projectile motion. See that if a body is thrown in air in any direction and allowed to fall under gravity, then such a motion is called projectile motion. Example, javelin throw, wo bhi projectile motion hai. या एक हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, ऊपर से फूड पैकेट गिराया गया तो वो भी पैराबोलिकली गिरेगा ये. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये ऐसे पेन है, ऐसे पेन को फेंकेंगे तो ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ से ग्राउंड पे गिरेगा. ठीक है, नाउ मोशन ऑफ ए रॉकेट और हीलियम बैलून इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर रॉकेट अपने एक्सेलरेशन से जा रहा है और हीलियम बैलून या हाइड्रोजन बैलून ऊपर उड़ रहा है अपने एक्सेलरेशन से, देन दैट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल. So motion of a rocket or helium balloon is not a projectile motion because it moves with its own acceleration. ठीक है, now a very 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 important derivation, most important, ask in all exam, even every year in annual exam also this derivations are there in projectile motion. Now body projected at an angle with the horizontal from the ground. See that ये body को u speed से फेंका गया, making an angle theta with the horizontal, and body parabolic path से ये ground b में गिर गया वापस. ठीक है, now u की component इधर theta है, this is theta, then you know that from vector जिधर theta होता है that side we take cos theta, तो ये ux horizontal component is u cos theta, x axis is this side, y axis is this side, and vertical component uy is u sin theta. हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन सेम एवरीवेयर बिकॉज एयर में हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, एवरीवेयर इट इज यू कॉस थीटा, बट द वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा जी नीचे लग रहा है तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कम होता जाएगा और एक स्टेज आएगा मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसीलिए और ऊपर नहीं जाना. और फिर जब ये इधर क्रॉस करेगा तो जी सिन सेट्स डाउनवर्ड, तो वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, लेट ए पार्टिकल टेक्स टाइम टी टू रीच फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी जाने पे टी टाइम लगता है. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशन, जब बॉडी मूव कर रही है तो एक्स मूवमेंट भी है, वाई मूवमेंट भी है. देखो जब ये पार्टिकल पी आ गया, यहाँ पे पार्टिकल पी पे पहुंच गया तो वाई भी हुआ और एक्स भी हुआ, सो इट इज अ टू डायमेंशन मोशन. ठीक है, तो इसकी x की इक्वेशन अलग बनती है, y की इक्वेशन अलग बनती है. ठीक है, नाउ यू सी दैट लेट ए पार्टिकल रीचेस फ्रॉम O टू P इन टाइम t. ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 5-7 ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल निकल आएंगे. इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन u cos थीटा g एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट. प्रोजेक्टाइल मोशन में बस ये तीन चीजें कॉन्स्टेंट होती है, u cos थीटा, देखो एवरीवेयर u cos थीटा इसे ये कॉन्स्टेंट होगा, जी हमेशा कांस्टेंट होगा वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, वेयर एज स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस. रीजन बिकॉज जी कॉन्स्टेंट, जी इज एक्सेलरेटिंग, तो स्पीड भी चेंज होता जाएगा, जी कम जी डाउनवर्ड लग रहा है, वेलोसिटी भी चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट अभी बताया मैंने डिक्रीज होगा ऊपर जाने समय, नीचे आने में इंक्रीज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा बिकॉज यू नो दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी चेंज. ठीक है, ये लेटर ऑन डिराइव भी करेंगे ये. नाउ सिंस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax इज जीरो, देखो ax जीरो, सो u cos थीटा रिमेंस सेम एवरीवेयर, whereas vertical component of velocity u sin theta first decreases and then becomes zero at maximum height and then increases because acceleration due to gravity g acts downward. This I have already explained to you. Now we are going to derive very very important formulas. I have redraw the diagram. ठीक है, तो you see that from figure, ये लाल अभी बताया मैंने, ये u है, theta है, u cos theta, u sin theta, ये सारा कुछ अभी बताया मैंने. अब इसमें हमें क्या मेन फाइंड करना है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कितना टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला, मैक्सिमम हाइट का स्टैंडर्ड फार्मूला, रेंज का स्टैंडर्ड फार्मूला, एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो दिस वी हैव टू डिराइव इट.
Now you see that, and also equation of motion of projectile. So say that from figure, a body reaches from O to P in time t. As I told you, iski x movement bhi hai, y bhi hai. So x kitna hoga? Distance. Distance is velocity into time. U cos theta into t, because there is no horizontal acceleration, so u cos theta remains same everywhere. X is u cos theta into t, and what is y? But when we calculate y, to gx downward, we know the formula. We maine ground se fekne ka upar bataya tha formula. Y is u sin theta into t minus half gt square hota hai. Ye one dimension mein karaya hua hai. Now ye second equation ho gaya. Now putting t from this into here, so t ho gaya x by u cos theta. So putting here u sin theta x by u cos theta minus half g x by u cos theta whole square. Now u and u cancel, sin theta by cos theta tan theta, so y is equal to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. So this is an equation of projectile motion. If it is asked to derive the equation of projectile motion, this is the answer. Now equation 3 is an equation of projectile motion. Now y is proportional to x square. Ye graph mein maine bataya tha, agar koi y proportional to x square hai, the path will be parabolic. Ye parabolic graph ho gaya hai. ठीक है. Now next, time taken to reach the maximum height. ये देखो, ये time taken to reach the maximum height. ठीक है, ये we will consider vertical motion. इससे ये फायदा होगा कि हमें एक टर्म जीरो मिल जाएगा, because we know that vertical velocity is zero, so at maximum height vy is zero. So considering vertical motion from O to A, so the considering the vertical motion from O to A, since we know that Vy is Uy minus Zt, only consider vertical motion. Vy is 0, Uy यहाँ से यहाँ की ले रहे हैं, Uy is U sin theta minus Zt, so T is U sin theta by G. So this is equation 4. Now if there is no air friction, 99% cases में air friction नहीं है numerical में, 1% air friction आएगा तो थोड़ा formula change हो जाएगा, वो बाद में करेंगे. If there is no air friction, then time of ascent is equal to time of descent. Jitna time upar jane mein lagega, utna time downward aane mein lagega. Hence, total time of flight is 2t, so t will be, isko double kar denge, to 2u sin theta by g. So this is the standard formula of total time of flight. There is a second method also to derive it. Body idhar se chal ke wapas ground mein a gaya. Ground se chal ke ground mein ho gaya, to vertical motion y zero ho gaya. So taking this formula, y zero ho gaya, and u sin theta into t, u sin theta into t minus half g t square, t is total time of flight. Now isko idhar kar denge to half g t square is u sin theta into t, ek t cancel ho gaya, ek t bach gaya, t is 2 u sin theta by g. So direct bhi ek equation se aa sakta hai time of flight. Next, maximum height ka formula. Maximum height, considering vertical motion from O to A, O to A ka sirf vertical motion lena hai. We know that Vy square is Uy square minus 2gh. Maximum height pe Vy 0, 0 square is equal to Uy is U sin theta square minus 2gh. So h will be U square sin square theta by 2g. So this is the formula of maximum height. I think it is clear. Next, horizontal range. How to find horizontal range? Range है देखो, इधर u cos theta remains constant, so range will be velocity into time u cos theta, और यहाँ से यहाँ आने में time of flight t है, तो range is u cos theta into t. Range means distance, velocity into time. U cos theta and total time of flight, यहाँ से यहाँ आने का total time of flight कितना है, 2 u sin theta by g. So range हो गया ये u square sin 2 theta by g, because there is a formula in trigonometry, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So ये देखो, 2 sin theta cos theta can be written as sin 2 theta, so u square by g. So this is the standard formula of range. ठीक है, you have to learn this. Range r will be maximum. Range maximum कब होगा, जब sin 2 theta की value maximum होगी. So that is r max when sin 2 theta is maximum, और sin की maximum value 1 होती है, वो कब होती है, when it is sin 90, तो sin 2 theta is sin 90, sin हट गया, तो 2 theta is 90, so theta is 45 degree. Same speed के लिए अगर हम discus throw या javelin throw करेंगे, same speed के लिए, तो सबसे ज़्यादा range अगर वो 45 degree से जाएगा, तो सबसे ज़्यादा range होगा, ठीक है?
Now maximum range, you sine 2 theta is 1, so this is standard formula of maximum range. R max is u square by g. Kai baar numerical mein find R max, only u is given, you can easily calculate. Now area covered by this, jaise Diwali mein you see that anar hota na, jaise jab wo fuljadi type ki sare direction mein projectile path hai, aise cover karke move karti hai, to area ground mein kitna cover karega? Area is pi r square, pi r max square, area pi r max is u square by g whole square, pi u 4 by g square. This is for objective question. Next, velocity at point P. कहीं पे भी P पे velocity, किसी भी point पे velocity निकालना है, तो see this formula, how to calculate it. Let us calculate velocity at point P. तो V है, as जैसे जैसे body ऊपर जाता है, ये angle कम होता जाता है. Highest point पे alpha 0 हो जाएगा, ये theta. तो ये alpha कम होता जाएगा. तो V की component इधर V cos alpha, इधर V sin alpha. तो the velocity at point P will be vector loss है, चूंकि it is a two dimension, तो vxi plus vyj, and magnitude of velocity will be under root vx square plus vy square. This we know. Now how to find vx? We know that horizontal velocity remains same. तो v cos alpha is equal to u cos theta. तो vx u cos theta is equal to v cos alpha. तीन चार objective book में question मिल जाएगा, ये u theta v alpha में से कोई three value given होगी, fourth निकल आएगा. Now considering vertical motion from O to P, O से P की vertical motion consider करने पे, Vy is Uy minus Gt, so Vy is equal to Uy, Uy is U sin theta minus Gt, so now what will be net V? V is under root Vx square plus Vy square, so Vx is what? U cos theta square plus Vy U sin theta minus Gt square, so this is the formula of velocity at any point in the projectile motion, standard formula. Now we want to calculate the angle alpha. Yeah, angle alpha find karna hai, vector loss at tan alpha. You know that this is Vy, this is Vx. Tan alpha is perpendicular by base, Vy by Vx. So tan alpha Vy we have calculated. Vy is u sin theta minus Gt. And what is Vx? U cos theta. So I think you have understood this. Now let us see the first question, very basic question, formula based. A body is projected from the ground with a velocity of 20 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal. Calculate number 1 time of flight, number 2 range, number 3 maximum height reach. Take g 10 meter per second square. Now number 1 time of flight, we know the formula time of flight, 2 u sin theta by g. 2 u given 20, sin theta given 60 degree by g is 10. So yeah, 40 sin 60 is root 3 by 2 by 10. 0 cancel ho gaya. 4 bach gaya, 2 se 2 cancel ho ke 2 root 3 second is the answer. Very simple. Next, range. Range is u square sin 2 theta by g. U is 20. 20 square sin 2 theta is 60 degree. G is 10. Now 20 square is 400. साइन 120 इज रूट 3 बाई 2, ठीक है, जितना साइन 60 होता है उतना ही साइन 120 होता है, रूट 3 बाई 2, जी 10, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये 20 रूट 3 मीटर इज द आंसर. नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, वी नो द फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, यू इज 10, 20, 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2 इंटू 10, सो ये 20 कैंसिल होके 20 बच गया, साइन 60 रूट 3 बाई 2 स्क्वायर, सो 20 इंटू 3 बाई 4, सो इट इज 15 मीटर इज द आंसर. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर एंड टी इज रिलेटेड एज आर बाई टी स्क्वायर इज जी बाई 2 टेन थीटा. ठीक है, now let us take LHS. LHS is range by time t square. Range formula we know, u square sin 2 theta by g hota hai. Time of flight is 2 u sin theta by g square. Now u square, ek u square cancel ho gaya. Sin 2 theta we know it is 2 sin theta cos theta. Ek g yahan se cancel ho ke ek g bach gaya, ye upar aa jayega, ye g upar aa gaya. और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यू स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया.
नाउ ये टू से फोर कैंसिल होके हाफ हो गया, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, तो जी बाई टू टेन थीटा हो गया। तो आर बाई टी स्क्वायर इज जी बाई, सो आर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई टू टेन थीटा। तो दिस इज ऑल्सो ए शॉर्टकट, आर टी एंड थीटा, इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू ऑब्जेक्टिव में गिवन है, शॉर्टकट लगा देंगे, टाइम सेविंग फॉर्मूला ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन एन सी आर टी, ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, 30 डिग्री फेंटने से 3 किलोमीटर इट हिट्स, बाई एडजस्टिंग द इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे एज्यूमिंग द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड एंड नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। तो फर्स्ट यू सी दैट कि ये हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि मैक्सिमम रेंज 45 एंगल के बीच एंगल के लिए होता है मैक्सिमम रेंज, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर है व्हेन 30 डिग्री इज प्रोजेक्टेड, तो वी नो दैट मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला इज यू स्क्वायर बाय जी, सो लेट अस कैलकुलेट यू स्क्वायर बाय जी। सिंस वी नो दैट द रेंज फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, रेंज इज 3, यू स्क्वायर साइन 60, साइन 60 इज रूट 3 बाय 2 एंड बाय जी, सो यू सी दैट u square by g will be how much, here 2 multiply okay 6 ho gaya, u square by g is 6 by root 3, 6 can be written as 2 into root 3 by root 3, root 3 root 3 cancel ho gaya, it is 2 root 3, root 3 is 1.732, to ye 3.464, even if we u square by g is for 40 degree angle, even if we make the angle 45 degree, the maximum range is up to only 3.464 kilometer, hence It can never hit the range of 5 km for the same speed, for this, for the same angle. ठीक है, never hit this. The maximum for 45 degree is 3.646. ठीक है, और किसी angle पे तो possible ही नहीं है कि इससे ज़्यादा range हो. No. Next, obviously it is not possible to hit the target 5 km away. Now next question also, you will get a good knowledge from this question. A stone is projected from the ground with a velocity 25 meter per second. A stone is projected with a speed 25 meter per second. 2 seconds later, it just a clears wall of 5 meter high. रास्ते में wall है, कहीं पे भी हो सकता है. Let us suppose ये wall y है ये, और इसकी height कितनी है? It is 5 meter. ठीक है, 5 meter high. फाइंड नंबर ए द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन स्टोन की कितनी है ये, और ये देखो यहाँ से यहाँ जो हिट कर रहा है वॉल को 2 सेकंड लिखा है, 2 सेकंड्स लेटर, द ग्रेट फर्स्ट पार्ट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन, सेकंड पार्ट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड, ग्रेटेस्ट हाइट मीन्स कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है कितना होगा, थर्ड पॉइंट सी पॉइंट हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन अगेन हिट्स द ग्राउंड, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस, अब कितने दूर फर्दर ये हिट करेगा, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस, take g10, so now you see that we y given hai, theek hai ki nahi, first we will find angle of projection, this we have to find the angle of projection of the stone, since time is given, y is given, we know that equation of projectile ka second equation y is u sin theta t minus half gt square, y wall ki height 5 given hai, u 25 sin theta and small t is 2 given minus half g10 ho gaya, 2 square ho gaya, ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया, ये गिवन है टाइम, नाउ दिस इज 5 और ये 2 से कैंसिल होके माइनस 20 इधर आके प्लस 20, तो 20 प्लस 5 इज 25 एंड ये हो गया 25, 2 इंटू 25 ये आ गया ना, सो 25 है ही ऑलरेडी, 2 आ गया साइन थीटा 25, 25 कैंसिल, सो साइन थीटा इज हाफ, सो थीटा इज 30 डिग्री, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड, अब ये मैक्सिमम हाइट एच फाइंड करना है, ये बहुत सिंपल है, एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू गिवन है 25 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड थीटा 30 डिग्री, साइन 30 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 25 स्क्वायर इज 625, साइन 30 हाफ, हाफ स्क्वायर बाई 20, बाई सॉल्विंग दिस वी गेट 7.8 मीटर, सो दिस हाइट कम्स आउट टू बी 7.8 मीटर। नाउ लास्ट पार्ट सी, see how far beyond the wall the stone again hits the ground, neglect air resistance, ab wall ke beyond kitni dur tak ye hit karega, that we have to find, so you know that
here range we can calculate, x also we can calculate, then r minus x will be the range beyond the wall. So what will be x dash? X dash will be r minus x, and we know the range formula. Range formula is u square sine 2 theta by g, and minus x, x you also know first equation, x is u cos theta into t, x is u cos theta into t. Now u is 25 given square sine 2 into 30 degree by g minus u 25 cos 30 time is 2. Yet yahan se yahan ke x ke liye time 2 second tha. This is 625, yes, sine 60 is root 3 by 2 by 10 minus 25 cos 30 root 3 by 2 into 2. Theek hai? So ye aa gaya, ye solve karke dekho, ye aa jayega 31.2 root 3 aur ye 2 cancel ho gaya, minus 25 root 3 aur ye isko minus karenge to 6.2 into root 3, this comes out to be 10.8 meter. This is the answer.